हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप तो ठीक ही होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। रीज़न क्या है कि आप लोग का अभी एग्ज़ाम चल रहा है, टेन का आने वाला, सॉरी चल नहीं रहा है। दैट मीन्स आपका एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, नियरेस्ट है। अब जानबूझ के ऐसा बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम चल रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम ही आपका चल रहा है, एग्ज़ाम नहीं चल रहा है। आपका क्या हो रहा है, परीक्षा ही हो रहा है। क्योंकि जो एग्ज़ाम जो है वो तो होगा आपका कितना, 7 दिन 10 दिन के बाद होगा, लेकिन अभी जो आप तैयारी कर रहे हैं वो क्या एग्ज़ाम है, वो अग्नि परीक्षा है। क्योंकि अभी जो आप पढ़िएगा वही आपको सबसे ज़्यादा क्या आएगा, काम आएगा। दैट मीन्स आप जो भी पढ़ें उसका क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए। लेकिन बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहा था सबका कि सर इंग्लिश लेके आइए 10 का, तो इसलिए मैं हाजिर हूँ। क्रिश सर मेरा नाम है, आप लोग मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है क्रिश जीनियस क्लासेस, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो है टारगेट बोर्ड पे आपको यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है सारा इंग्लिश का पूरा बुक पार्ट 2 का। ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट, आप लोग बने रहिए। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता दूँ कि आपका जो एग्ज़ाम तक आते आते इंग्लिश हम उतना ज़रूर आपको पढ़ा देंगे कि इंग्लिश में आप फर्स्ट डिवीज़न ज़रूर कर जाइएगा। बस आप लोग क्या कीजिएगा, डेली वीडियो आपको मिल जाएगा मॉर्निंग में, डेली आप लोग क्या कीजिएगा, बने रहिएगा और निश्चित आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए, हम लोग का पहला चैप्टर है द पेस फॉर लिविंग। अब देखिए, हमारे पास समय नहीं है और आपके भी पास समय नहीं है, क्योंकि मैं भी बहुत ही ज़्यादा क्या हूँ, बिजी हूँ। मेरा ऑफलाइन ढेर सारा क्लास चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहा था। प्रिंस सर भी बहुत ज़्यादा बोल रहे थे कि नहीं सर वीडियो दीजिए, तो इसलिए वीडियो लेके आना ही पड़ा, क्योंकि सर तो बहुत अच्छे ढंग से क्लास ले ही रहे हैं। तो सर बोले कि सर यदि आप क्लास दे दीजिएगा तो इंग्लिश में भी बच्चा का बहुत ही ज़्यादा क्या बेनिफिट हो जाएगा। रीज़न क्या है कि आर्मी के लिए, नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए इंग्लिश ही बहुत ज़्यादा क्या मस्ट है। ओके, तो चलिए आप लोग बने रहिए। और यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा आज का जो टॉपिक है द पेस फॉर लिविंग, तो हम लोग लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ने वाले, लेकिन छोड़ने वाले भी नहीं है, क्योंकि लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो उतना समय नहीं है, क्योंकि हमको 10 दिन में आपका बुक को कंप्लीट करना है और फर्स्ट डिवीजन भी आपको दिलाना है। तो चलिए, हमारा पहला चैप्टर है द पेस फॉर लिविंग। द पेस फॉर लिविंग के लेखक हैं हमारे आरसी हचिंसन। अब देखिए, इसका फुल फॉर्म जो होता है आरसी हचिंसन का, रे कोल्टन हचिंसन होते हैं, उसका फुल फॉर्म कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में। और हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात, और हम छोड़ेंगे भी नहीं चैप्टर को, वो पूरा कंप्लीट होगा। और बस हम लोग क्या करने वाले हैं, आप सुनते रहिएगा, जितना ज्यादा सुनिएगा। देखिए, लैंग्वेज जो है वो सुनने का चीज है, जितना आप सुनिएगा उतना ज्यादा अच्छा लगेगा। रीजन क्या है, वही बात कि आप तो क्या है, मुस्कुराने की वजह है ना, बहुत बेहतरीन है। तो थोड़ा सा सॉन्ग भी आपको सुना देते हैं। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना हो रे पिया रे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो द पेस फॉर लिविंग, पहला क्वेश्चन पूछ सकता है कि द पेस फॉर लिविंग के लेखक कौन है, तो आप ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, है ना। द पेस फॉर लिविंग वहां पे इंग्लिश में दिया हो रहेगा। अब देखिए, एकदम सिंपल सा, अभी आपके पास वोकेबलरी पावर नहीं है। ओके, अब देखिए, आप उतना समय नहीं है कि हम वोकेबलरी पावर को यूज करें। आप सिर्फ वहां पे देखिएगा कि यदि कहीं पे दिया हुआ है द पेस फॉर लिविंग और वहां पे नीचा में चार लेखक का नाम दिया, तो आप एक ही लेखक का नाम मारिएगा, किसका, आरसी हचिंसन। तो द पेस फॉर लिविंग एक हमारे क्या है, ऐसे हैं, उसे हम कह सकते हैं क्या, ऐसे हैं, एकदम कह सकते हैं क्या, वो है ही क्या है, ऐसे हैं। और ये एक नाटक के तौर पे बताया गया है, द पेस फॉर लिविंग, दैट मींस जीवन की जो गति जो है, द माना क्या, द पेस फॉर लिविंग मतलब जीवन की जो रफ्तार है, पेस मतलब क्या होता है, रफ्तार, उनके बारे में बताए हैं कौन, आरसी हचिंसन। तो आरसी हचिंसन जी जो है वो रहने वाले हैं कहाँ के, ब्रिटिश के। अब ब्रिटिश के मतलब क्या, अंग्रेज। देखिए, सब अंग्रेज खराब ही नहीं थे, हर एक व्यक्ति खराब नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। तो आरसी हचिंसन कहाँ के रहने वाले थे, ब्रिटिश के रहने वाले थे, और एक ब्रिटिश नॉवेलिस्ट थे। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि आरसी हचिंसन जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे, ना आरसी हचिंसन बिलोंग्स है ना, तो कहाँ से बिलोंग्स करते थे, तो ब्रिटिश से बिलोंग करते थे। और वो एक क्या थे, नॉवेलिस्ट थे, उपन्यासकार थे। वो ज़्यादातर क्या करते थे, समाज से रिलेटेड यानी सोसाइटी से रिलेटेड ही वो क्या करते थे, अपना स्टोरी हो या ऐसे हो या पोयम हो, ये सारा चीज़ क्या करते थे, लिखा करते थे। चलिए
हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो लेखक कहते हैं कि आई सॉ अ प्ले इन डबलिन। अब देखिए, आई सॉ अ प्ले इन डबलिन, वो बोलते हैं कि मैंने एक नाटक देखा था कहां पे, डबलिन में। तो यहीं से एक पॉइंट बन जाएगा, एक क्वेश्चन बनेगा कि लेखक नाटक कहां देखा था। प्ले मींस यहां पे क्या होगा, नाटक। तो लेखक नाटक कहां देखा था, डबलिन में देखा था। ओके, अब देखो उसका पूछेगा, लेखक जो है एक नाटक देखा था कहां पे, डबलिन में देखा था। पूरा क्वेश्चन सुन लीजिए, मतलब पूरा बता देते हैं निबंध के बारे में क्या है। ठीक, लेखक जो है नाटक देखा था डबलिन में, और उसका जो मुख्य मुख्य कैरेक्टर था, वो पात्र था, वो एक एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट था, एक उम्रदराज, है ना, उम्रदराज जो व्यापारी होते हैं, किसका, मकई का, वो थे उसका मुख्य कैरेक्टर, मतलब मुख्य नायक जिसको हम बोल सकते हैं हीरो, किसका, नाटक का। और उसका जो घर जो था वो एक आयरिश का स्मॉल जो विलेज था वहां पे, उसका आयरिश टाउन में था उनका घर, छोटा सा, है ना। और उनका जीवन जो था वो बहुत ही ज्यादा क्या था, रफ्तार था, क्योंकि वो जो मैन था, मैन ऑफ मैनी एंग्जायटी, जो आदमी था वो ढेर सारी चिंताओं से घिरा हुआ था, क्योंकि वो एक आधुनिक युग का आदमी था, लेकिन उसका सोचने का क्षमता जो था वो बहुत ही ज्यादा क्या था, लो था, जिसके कारण उसे ढेर सारी क्या होती थी, परेशानी होती थी। उसका भतीजा जो था उसे क्या कर लेता था, चीट कर लेता था, ठगता था। हिज नेफ्यू वाज चीटिंग हिम। कौन उसे चीट करता था, तो उसका भतीजा उसे क्या करता था, चीट कर लेता था। तो इस चीज को याद रखिएगा कि कौन उसे चीट करता था, तो उसे चीट करता था कौन, उसका नेफ्यू, हिज नेफ्यू। और उसकी पत्नी जो थी, चाहे उसकी पत्नी हो या 90% किसी की भी पत्नी हो, वो बहुत ही ज्यादा क्या दिखाती है, नखरा दिखाती है। ठीक, अभी तो आप लोग का शादी नहीं हुआ है, मेरा हो गया है। ओके मेरा हो गया है। ठीक, तो हो सकता है आप लोग का फ्यूचर इनकेस हो, तो कोई भी हॉलीडे होगा, कोई भी तरह का कोई भी ओकेजन होगा, तो वो क्या करेगी कि मतलब बहुत ज़्यादा खर्च करवाएगी। उसी में से कौन थी, इनकी पत्नी, किन की, एल्डरली कॉर्न मर्चेंट की। उसकी पत्नी जो थी वो 10 पाउंड जो है वो खर्च करवा लेती थी किसी भी हॉलीडे पे। वो 10 पाउंड मतलब लमसम 600 के नियरेस्ट वो क्या करती थी, खर्च करवा लेती थी, मतलब रुपया में। ठीक, और उसका भतीजा उसे ठगता था। कुल मिलाकर, ऑल टुगेदर, कुल मिलाकर उसका जिंदगी पूरा ही ज्यादा क्या हो चुका था, रफ्तार हो चुका था। और कोई साइड से आके अचानक उसे ये कह देता कि देखो एरोप्लेन का जो है ना स्पीड 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है, तो उसे और ही ज्यादा शौक लगता था, बाप रे ऐसा हो सकता है कि एरोप्लेन का स्पीड जो है 1000 मतलब एक घंटा में 1000 दूरी करेगा। तो एक भी क्वेश्चन यहां से फिर एक क्वेश्चन बनेगा कि एरोप्लेन का स्पीड कितना होता है, 1000। ओके, देखिए यहां पे हम सुना भी रहे हैं और क्लियर भी कर रहे हैं आपका क्वेश्चन, कहीं कोई तरह का दिक्कत है तो नीचे जरूर कॉमेंट कीजिएगा। ओके, तो ये बात सुन के उसे बहुत ही ज्यादा आश्चर्य लगता था और वो चिकरता था, बाप रे बाप। अब देखिए ऐसा नहीं था कि बेचारा को हर एक फील्ड में तेज गति को वो नापसंद ही करते थे, कुछ ऐसे फील्ड थे जिसमें वो तेज गति को पसंद करते थे। बड़ा अजीब ख्यालात के थे, अजीब ख्यालात के क्या थे कि उसको जो है स्पीड में कार चलाना पसंद था, और उस कार की स्पीड जो थी वो होनी चाहिए 90। अब एक क्वेश्चन पूछेगा, 90 का स्पेलिंग पूछ देता है, तो 90 का स्पेलिंग आप लोग जरूर दिमाग में रखिएगा और रख के ही जाइएगा, क्योंकि 90 का वहां पे स्पेलिंग पूछ देगा तो फिर आप लोग फंस जाइएगा। तो वो कार जो है कितना की स्पीड में, 90 के स्पीड में वो क्या चलाना पसंद करते। लेकिन और गजब ख्याल आपके हैं, वो कहता है कि वो कार मेरा नहीं होना चाहिए, दूसरे का होना चाहिए, चाहे टूट जाए कि फूट जाए उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन वो कार किसकी होनी चाहिए, दूसरे व्यक्ति की होनी चाहिए। तो ये उनको मजा आता था, मतलब वो इस चीज में वो तेज गति को क्या करते थे, पसंद करते थे। और अजीब उनका ख्याल आता, वो डिनर जो करते थे ना, डिनर मतलब रात का जो भोजन है ना, वो रात का भोजन करना कहाँ चाहते थे, लंदन में। डिनर यानी डाइन, उसको हम कभी कभी डाइन मतलब उच्चारण में कर लेते हैं, लेकिन उसको हम बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में क्या, डिनर। आप लोग जानते होंगे घर में जो है टेबल लगा होता है, मतलब खाने वाला जो ना बीच में, तो वो डिनर कहना चाहता है कहाँ, लंदन में, यानी रात का भोजन लंदन में, और लंच मतलब क्या होता है, दिन का भोजन, और दिन का भोजन वो कहाँ करना चाहता है, न्यूयॉर्क में करना चाहता है। ठीक, अब देखिए ऐसा ख्याल आपका है, ये सारा चीज ठीक ठाक था, सारा चीज पसंद करता, लेकिन तब पर भी उसका जिंदगी क्या था, बहुत ही
तेज गति था। उदाहरण के तौर पे वो बोलता था कि यदि एक एग्जाम लिया जाए किसकी इंटेलिजेंस की, मतलब बुद्धिमता की, तो सबसे लोएस्ट मार्क मुझे ही प्राप्त होगा। दैट मींस कहने का मतलब वो अपने आप को विच ट्राइब, मतलब किस ट्राइब से वो मतलब बिलोंग करते थे, वो बिलोंग करते थे, ट्राइब मतलब जनजाति, वो बिलोंग करते थे स्लो थिंकर से। यदि ऑप्शन में कहीं देख लीजिएगा स्लो थिंकर है तो आप जरूर मारिएगा। एक स्लो थिंकर से वो क्या करते थे, बिलोंग करते थे, अपने आप को मंद सोचने वाले में थे। उदाहरण के तौर पर वो कहते हैं कि एक बार जब मैं अपने पत्नी के साथ, वाइफ के साथ फिल्म देखने के लिए गया, कहाँ, सिनेमा में, जेबू का सिनेमा में, नहीं 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 ऐसा नहीं बोलो के जाइए सिनेमा देखिए, फिल्म देखिए एग्जाम देने के बाद। तो एक बार क्या हुआ कि वो अपने पत्नी के साथ कहाँ गया, फिल्म देखने के लिए। फिल्म देखने के लिए गया तो हर एक कुछ समझ में आ रहा था, लेकिन ओकरा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो वो बेचारा कुछ देर में, दो मिनट तीन मिनट में जो है ना, अपने पत्नी के कान में फुसफुसा के विस्पर करके पूछता था, हे बताओ तो उसमें जो हीरोइन है वो सब एक के है, वो हीरो एक है, मतलब कुछ से कुछ पूछते थे फिल्म में। तो वो बोली कि नहीं, इस फिल्म में देयर आर थ्री गर्ल्स इन द फिल्म, इस फिल्म में कितनी लड़कियां हैं, तीन लड़कियां हैं, आप जो है उसे सूचित कर सकते हैं ए बी सी, और इस फिल्म में एक हीरो है और ये हीरो, इसी हीरो के प्यार में ये तीनों हीरोइन गिरने वाली है, वो भी किस में, सीक्वेंस में, इन ऑर्डर ऑफ, क्या कैसे गिरेगा देख लो, मतलब कैसे गिरेगा, बी सी ए, बी सी ए इस ऑर्डर में वो गिरेगा, और हीरो क्या है, एक है। ये सारा चीज सोचने के बाद लास्ट में कहते हैं लेखक कि यदि इस दुनिया में कोई तेज से, मतलब तेज होके नहीं सोचेगा, दुनिया के अनुसार नहीं चलेगा, तो उसका जीवन बहुत ही ज्यादा क्या कठिन हो जाएगा, जिंदगी जीने में, लिविंग करने में, लिविंग करने में क्वेश्चन आएगा, लिविंग करने में उसका जिंदगी क्या हो जाएगा, स्लो थिंकर का, बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगा। आई होप कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा, ओके। और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्रिस जीनियस क्लासेस के नाम से। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।